कौन सा? न्यूमैन। हाँ, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन हम आरएस कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। किसमें बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम आरएस कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझ लें, ठीक है। अब देखो, मुझे पहला एग्जांपल दिया गया है ऐसे। देखो, ये ऐसा ऐसा, इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे बेटा? ये कौन से कार्बन का सिंबल है? मैंने दो कार्बन बताए थे ना, फ्रंट कार्बन और रेयर कार्बन। तो ये बताओ, ये कौन से कार्बन का सिंबल है? देखो कॉपी में चेक करो, चेक करो कॉपी में, कौन से कार्बन का है? ये फ्रंट का है कि रेयर का है? फ्रंट का है ना, तो फ्रंट में मैंने डाल दिया CH3H और OH। और ना रेयर कार्बन में मैंने क्या डाला? H HCH3OH। समझ में आ गया? क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो, अब तुम इसको सबसे पहले क्या करोगे? न्यूमैन के साथ साथ कौन सा था? एक सोर्स था, तो सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो? सोर्स में तरीका बताया था ना, क्या बताया था? इसको खींचो और इसको थोड़ा साइड कर दो, तो कैसे बनेगा बोलो? ये मेरा ये वाला बॉन्ड, मेन बॉन्ड जो खींच के साइड किया है। अब बताओ, यहाँ पर ये आपका फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन पर CH3 ऊपर जाएगा, OH यहाँ जाएगा और H आपका यहाँ जाएगा। क्लियर या नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट बोलो क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या होगा? OH H और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ में आया नहीं आया? आया पक्का? अब इसमें तुम्हें RS निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला था? लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को क्या करना है? वर्टिकली डाउनवर्ड करना है ना। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को क्या करना है हमको? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे करेंगे बोलो? अब देखो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड करने के लिए वर्टिकल लाइन है नीचे क्या? यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड लाने के लिए क्या वर्टिकल लाइन है नीचे? नहीं है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ करके इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वर्टिकल लाइन में। तो इसका मिरर इमेज खींच लो। मिरर इमेज खींचोगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3 नीचे जाएगा, OH ऊपर और H नीचे, ठीक है, ऐसा ही होगा। और यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को हाफली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, इसको मैंने क्या बोला? A। और नीचे क्या है बेटा? CH3, ठीक है। अब देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली लाइन मुझे मिल गई, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली मुझे लाइन मिल गई, हाँ या ना? मिल गई ना। अब क्या करेंगे बोलो? अब इसका सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? OH की, 1 की, देन आफ्टर ये 2 हो जाएगा, या आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। आप बताओ 4 किससे एक्सचेंज होगा? 3 से। और वो 1 आपका किससे एक्सचेंज होगा? 2 से होगा ना एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करो इसको, एक्सचेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? देखो ये ऐसा आ जाएगा आपका, हाँ। तो यहाँ क्या आया बेटा आपका? 4। यहाँ क्या आया? 3। यहाँ क्या आया बेटा? 2। और यहाँ क्या आ गया बेटा आपका? 1। ऐसे ही होगा ना एक्सचेंज हुआ। आप घुमाओ इसको, 1 2 3, क्या बना बेटा बोल? R या S? बेटा तुम्हें घड़ी देखने नहीं आती? ये R या S? यहाँ घड़ी नहीं है क्या? देखो अब तो देख ले, क्या हो जाएगा? S configured। क्या हो जाएगा बेटा ये आपका? समझ में आया? अब इसका ये वाला बनाओ जल्दी से, कैसे बनेगा? आप देखो, यहाँ पर क्या लाइन पहले से वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो क्या मुझे मिरर इमेज लेने की ज़रूरत है? नहीं ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पहले से है, तो मैं क्या करूँगा बेटा इसको? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना, क्या करूँगा बेटा? तुम लोग नहीं बोलोगे तो कैसे मज़ा आएगा? ये CH3 इधर, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका? B। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आपका क्लियर हुआ पक्का? सोच लो। चलो
अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे बोलो जल्दी से। यहाँ पर ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी, सामने देखो साहब, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी। थोड़ी देर के लिए सामने देखो, लिखने का टाइम दूंगा मैं, लिखने का टाइम मैं दूंगा, थोड़ी देर के लिए सामने रह देखो। ये आपकी कौन सी प्रायोरिटी होगी बेटा, फोर्थ प्रायोरिटी। बात क्लियर है? अब नाउ मैं क्या करूँगा बेटा, बोलो क्या करूँगा? एक्सचेंज करूँगा, किसको किससे करना है, फोर्थ को थर्ड से और फर्स्ट को सेकंड से। कर दो एक्सचेंज, इतना टाइम क्या लग रहा है तुम लोगों को, एक्सचेंज करो फटाफट। ये मैंने एक्सचेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला, यहाँ पर कौन सा वाला आ जाएगा, थर्ड वाला, यहाँ पर कौन सा वाला आ जाएगा, टू वाला, और यहाँ पर वन वाला। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, वन से थ्री जाएंगे पहले, फिर टू जाएंगे ना, कौन सा जाएंगे, हाँ वन से टू, टू से थ्री। तो कौन सा कन्फिगर्ड होगा, ये घड़ी की तरह चल रहा है ना, तो कौन सा आर कन्फिगर्ड। समझ में आ गया बेटा तुम लोगों को, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, इसको कौन सा कन्फिगर्ड बोलेंगे, आर कन्फिगर्ड। तुझे आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा होगा, नहीं 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 आ रहा है, अपने मन को तसल्ली मत दे, ना मुझे तसल्ली देने के लिए बोल। समझ में आया, ये समझ में आ गया, इसको कौन सा कन्फिगर्ड बोलेंगे, एस, और इसको कौन सा बोलेंगे, आर। तो इसका जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होगा वो भी कौन सा कन्फिगर्ड होगा, ये वाला एस कन्फिगर्ड, और ये वाला कौन सा होगा कन्फिगर्ड, आर। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ पक्का, चलो लिखो, लिख लो इसको। न्यूमेन का समझ में आ गया, न्यूमेन का आप तुम निकाल लोगे, कंसेप्ट समझ में आया, न्यूमेन में कैसे करते हैं हम, आर एस कैसे निकालते हैं, न्यूमेन में हम आर एस कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया बेटा, किस किस को समझ में आ गया कंसेप्ट बोलो, पक्के से, श्योर, मान लो, हाँ हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है, अभी तुझे बाद में पता पड़ेगा इसके बारे में, पहले ये आया तुमको समझ में आया, क्लियर हुआ कंसेप्ट, जिसको नहीं हुआ वो पूछ ले, जिसको हो गया वो भी पूछ ले सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछो। आया? अब देखो इधर एक और क्वेश्चन दे दे, देख लेते, अब एक और क्वेश्चन तुम लोग बताओगे, आप बताओ अब कैसे निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बोलो कैसे निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, न्यूमेन टू क्या बनाया मैंने यहां पर, ये सोहर्स, कौन सा बनाया, न्यूमेन टू सोहर्स। अब क्या करोगे बेटा उसका, देखो उसका बताओ, छोड़ो अभी लिखना, पहले बताओ। हाँ खींचना आता है तुम लोगों को, खींच लिया उसके बाद टाइट कर, हाँ तो सोहर्स तो समझ में आ गया, तुम लोग क्या करोगे बेटा बोलो जल्दी से, क्या आएगा, यहाँ पर भी ऊपर ही आएगा ना, दोनों ऊपर ही है ना, बेक कार्बन भी, जल्दी जल्दी सामने देखो बेटा, सामने देखो, तुम लोग अभी लिखो मत बेटा, मैं लिखने के लिए तुमको आधा घंटा दूंगा, आराम से लिखना, तुम पहले सामने देख लो पहले ही। एक तो बेटा पहले ही तुम लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा है और तुम उस पर लिखे जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो, समझोगे ज़्यादा तो लिख तो बाद में भी लोगे, बता दूंगा मैं, लिखा हुआ तुमको जेरोक्स भी है ना दे दूंगा अगर तो तुम लोग, लेकिन पहले समझ लो, समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिखना भी इम्पोर्टेंट है पहले। अब इसका बनाओ, इसका कैसे बनाओगे जल्दी बताओ, मिरर इमेज, हाँ किसका लेना पड़ेगा, दोनों का या एक का, इस टाइम मिरर इमेज किसका लेना पड़ेगा, दोनों का या एक का, क्यों, हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन मुझे लानी है, तो मिरर इमेज लाओ, मिरर इमेज लाओ, बोलो CH3 नीचे आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, और G कहाँ आएगा, G मान जी, G मतलब A, हाँ ठीक है A ग्रुप मान लेता हूँ, आप बोलो जल्दी से फटाफट बोलो, अब प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, आता है कि नहीं आता प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर किससे निकालते हैं, CIP रूल का मतलब कान एनगोल्ड प्रीलॉग मेथड, तुम लोग बेटा नाम नहीं पढ़ते उसके काम पढ़ के आ जाते, वन
वन के बाद टू कौन सा होगा बेटा, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, ये टू होगा, ये कौन सा होगा बोलो साहब, थ्री, वेरी गुड। ये कौन सा होगा बोलो, फोर। आया? अब किसको किससे एक्सचेंज करना है बोलो, बोलो सब बोलो, फोर को थ्री से, और किसको किससे करना है, वन को पक्का कर दे एक्सचेंज, करो एक्सचेंज। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तो तुम लोग बात ही नहीं मानते, तुम लोग अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा, तुमको मैं हमेशा अच्छा ही बोलूँगा ना। आप बताओ कौन सा कन्फिग्रेशन है, वन के बाद पहले जाएंगे थ्री पढ़ना, वन के बाद पहले कहाँ जाएंगे थ्री पर, टू पर जाएंगे, तो यहाँ से टू ऊपर गए, बताओ कौन सा हो गया, घड़ी देख लो थोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला इसमें कैसे करेंगे बोलो, बोलो ना, इतना धीरे बोलोगे क्या, किसी से लड़ाई करते वक्त तो बहुत ज्यादा तेज बोलते हो तुम लोग हैं। अब देखो यहाँ पर इसका मेरे इमेज बना दिया, ओ एच एच सी एस थ्री, और यहाँ पर ये एसर, ठीक है मेरे इमेज बना दिया ना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है एसर, चलो जो भी है वट एवर, बन गया। अब बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी कर दिया। आप बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो, करो करो, ये हो जाएगा वन, इसका टू, इसका थ्री, इसका फोर। अब क्या करेंगे, किसको किससे एक्सचेंज करेंगे, हाँ एक्सचेंज कर दो, यही तो तुम्हें आता है, और क्या आता है तुम लोगों को, आता है ना इतना, ये फोर, ये थ्री, ये टू, ये वन। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, ये भी एस कन्फिगर्ड होगा, एस कन्फिगर्ड होगा कि आर, आर, वेरी गुड। ये भी आपका कौन सा कन्फिगर्ड होगा, ये वाला आपका आर कन्फिगर्ड। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ तुम लोगों को, कोई डाउट, चलो ये इसका निकालना आ गया, चलो लिख लो इसको, लिख लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तरीका समझ में आ रहा है ना, हाँ विवेक पाटिल कौन है, अच्छा बातें मत कर रहे बेटा, जिंदगी से प्यार है कि नहीं है, अब लिखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द आर एस कन्फिग्रेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हाँ लिखो, लिखने का टाइम तो दिया, लिखो आप फटाफट, क्या बेटा बोला, किसको चाहिए आधा घंटा, बेटा बोलना भूल जाएगा, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो बेटा, अच्छे बच्चे हो ना, लिखो लिखो फटाफट लिखो, एक काम करना, एक काम कर, तू खड़ा वाइटनर, तू वाइटनर, एक काम कर, घर से ले लाइट लेके आना, कॉपी में सजाना है इसे, ठीक है। अब कल मैं तुझे 5 तरह के पेन गिफ्ट करूँगा, ठीक है। अब कॉपी को ऐसा सजाना है तुझे, जे ही नहीं करना, हमको कॉपी ही सजाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख वाइटनर, छोड़ ना वाइटनर, अगला लिख दे उतने टाइम में, तो तुझे जो करना है कर, तुम लोग बेटा मानते ही नहीं हो बात,
चले लिख लिया। हाँ अरे कॉपी सजाने से अच्छा है कि तुम लोग लिखने पे जल्दी फोकस करो, वैसे तुम्हारा सिलेबस पीछे चल रहा है। क्या पीछे चल रहा है? सिलेबस पीछे चल रहा है, इसका मतलब समझ गए तुम लोग। लिख लिया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप। फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। निकालो आरएस कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मैं मॉलिक्यूल लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, फाइंड द आर एस कन्फिग्रेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहला है आपका देखो ये वाला, ये आपका ओ एच एच सी एल सी एच थ्री। सेकेंड है आपका एच सी टू एच फाइव ओ एच पी एच। थर्ड है आपका एच बी आर ओ एच सी टू एच फाइव सी एच थ्री एच। फोर्थ है आपका बेटा यहाँ पर, फोर्थ लिखा देता हूँ सी सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी एल बी आर। फिफ्थ है आपका बेटा फिफ्थ है आपका बेटा ये आपका सी एच थ्री ओ एच ओ एच, यहाँ पर एच यहाँ पर एच यहाँ पर सी एच थ्री। ठीक है, सिक्स्थ है आपका कौन सा ओ एच एच सी एच थ्री। बातें करो करो बातें करो करो सी एच थ्री बी आर। ठीक है, अब देखो सेवंथ सेवंथ है ना ये वाला? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करें तो क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन लिखते रहना बाद में, पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले समझ लो, फिर तो वीडियो आएगा उसमें तो वो वॉइस तो होगी नहीं, तो ऐसे ही देख के लिख लेना, घर जाके छाप लेना। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी बताओ इसका इसका कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बोलो, सब बोलो फटाफट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर बोलो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? ओएच की ना, ओएच की ना, या फिर सीएल की? वन टू थ्री फोर। अब बताओ बेटा वन टू थ्री फोर है, अब कैसे निकालोगे बोलो ये जल्दी से। ये ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पर दो लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा बेटा बोलो? फोर यहाँ थ्री यहाँ बोलो, वन यहाँ सब बोलेंगे, टू यहाँ बोलो। आप जल्दी से क्या होगा घुमाओ, वन टू थ्री एस घुमाना, ये घुमाना तो आ गया तुम लोगों को, तुम ना टीचरों को घुमाते हो, ये घुमाना क्यों नहीं आएगा तुम लोगों को? आगे बोलो जल्दी से बोलो प्रायोरिटी ऑर्डर। वन ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? टू
ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3। ये पीएच का सीआईपी कैसे निकालेंगे, किसी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ तुम्हें बता रखा है पीएच का। हाँ 1 2 3 और ये 4 क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। हाँ किसको किससे एक्सचेंज करना है? फर्स्ट को 3 से ना, 4 से। क्यों? क्योंकि मुझे 4 को नीचे लाना है एनी हाउ। ये 3rd और ये 2, बोलो क्या कौन सा होगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? ये भी आपका एसी होगा। अगर ये यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, आर, तो ये भी आपका कौन सा है बेटा, आर। ठीक है, ये वाला बताओ कैसे करोगे। दो पार्ट में डिवाइड करोगे, काट दो। ये काटना पीटना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इसमें तुम लोग माहिर हो। आप जल्दी बोलो जल्दी से। ये 1 हो जाएगा, देन आफ्टर 2 कौन सा होगा, खड़ा हुआ आहिल, कौन सा होगा 2, फिर 3, फिर 4, बैठ जा खुशी, खड़ी हो। एक्सचेंज कैसे करना है बोलो। 4 को सेकंड से कर दे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, समझ में आया? अब बोलो क्या होगा, कौन सा कन्फिग्रेशन हुआ, जल्दी बोलो, घुमाओ ना, आर हुआ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग बैठो। मैंने मालूम है तुम लोगों से क्यों पूछा, हाँ इसलिए पूछा तुम्हारा नाम लेके कि तुम भी अगर देखोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। अगला वैष्णवी खड़ी हो, बताओ क्या करेंगे, बोलो जल्दी से क्या करोगे सबसे पहले। अभी नौ को भी खड़ा होने का मन कर रहा है, रुको बेटा, तू साइकिल वाले में खड़ा होगा, तैयारी कर ले। पहले क्या होगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या आप लोगों को आता है ना? अब बोलो क्या करेंगे बेटा, किसको किससे एक्सचेंज करेंगे, बोल। नहीं करेंगे, क्यों? ऑलरेडी ये 4th यहाँ पर है, तो कोई मतलब नहीं है एक्सचेंज करने का, मेहनत हमको ज़्यादा नहीं करनी, हमको आता नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला कार्बन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बोलो जल्दी से, ये वाला कौन सा हुआ, आर, और ये वाला कौन सा हुआ, एस। वेरी गुड, समझ में आया तुम लोगों को, क्लियर हुआ फंडा पक्का? अब उधर देखो, चिन्मय तू भी खड़ी हो जा, तू ही बता दे, बोलो आ जा, तू ही एक बची है और एक प्रसन्न भी खड़ा हो जाएगा, है ना, तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, बोलो आप जल्दी से। ब्रोमीन को 1 प्रायोरिटी, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद C2H5, नहीं आता है, फिर बोलो आगे क्या होगा बेटा, अब क्या करना है इसमें रूल क्या बताया था मैंने, बोलो रूल मैंने क्या बोला था, बोलो। अरे रूल बोलती जाना, तो मैं लिखता जा रहा हूँ, तू रूल बोलती जा। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर को मुझे कहाँ पर लाके आना है, डैश पर। डैश लाइन कौन सी है बताए, ये वाली ना, ये वाली डैश है, पक्का दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलो बैठ जा। यहाँ पर 4 लाया, यहाँ पर कौन सा आएगा, बैठ जा, यहाँ पर कौन सा आएगा, 4 के बाद यहाँ कौन सा आएगा, 2 आएगा ना, इसको इससे करना पड़ेगा, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, 1, और यहाँ पर कौन सा आएगा, 3। सही है, आया समझ में। एक्सचेंज करने के लिए मुझे 4 को ही लाना पड़ेगा ना, समझ में आया। घुमाना आता है तुझे, कैसे घुमाएंगे बोल, 1 से घुमाएंगे, घुमाया कि कैसे घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, आर। तो ये बेचारा भी क्या हो जाएगा, आर, समझ में आया। हाँ तो पाटिल जी खड़े हो, बताओ आप जल्दी से इसका। अब देखो इसमें हम इसी में गंदगी मचा देंगे, ठीक है, क्योंकि तुमको भूल जाओगे, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये मैं पहला वाला पार्ट बना रहा हूँ, पहले वाले पार्ट में पहले से ही एक नीचे, तो ज़्यादा तकलीफ वाली बात ही नहीं है। ये कौन सा है, 1, ये कौन सा है, 2, ये कौन सा है, 3, घुमा दो कि क्या आएगा ये वाला,
आर आ जाएगा, कंफर्म है। तो ये कौन सा हुआ बेटा आपका, आर। अब सेकंड वाले में क्या करना है बेटा, मिरर इमेज ड्रॉ करना है। करो, ऐसा हो जाएगा ओ एच यहाँ, सी एस थ्री यहाँ, बोलो, और एच यहाँ, और यहाँ पर बी ग्रुप। समझ में आ गया? अब प्रायोरिटी ऑर्डर लाओ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा थ्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर। अब किसको किससे एक्सचेंज करना है, फर्स्ट को फोर से कर दो, तो कैसे करोगे, टू को थ्री से करना है एक्सचेंज, तो फर्स्ट को फोर यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा, तो वन टू थ्री, तो कौन सा कन्फिग्रेशन होगा ये बेटा आपका आर। अब समझ में आ गया, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे क्योंकि जगह कम है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा ड्रॉ। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। रियान तू खड़ा होना चाहता, खड़ा हो जा। ना 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 ना, तू यहाँ खड़ा होगा, तू खड़ा हो जा। ना ना, तू भी यहीं खड़ा होगा, तू खड़ा हो। अरे क्यों क्यों खड़े हो रहे हो, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में, बाद में जब तीन चार क्वेश्चन लूँगा ना अच्छे अच्छे, तब मैं खड़ा करूँगा तुम लोगों को, तुम लोगों को ज़्यादा आता है इसलिए। अब बताओ मिरर इमेज लिया कि नहीं लिया, मिरर इमेज लिया कि नहीं लिया, हाँ या ना? हाँ, ये बोलो ना, मन से बोला करो, तुम मन से नहीं पढ़ते। देखो वन, वन के बाद क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, टू किसको देंगे, ए को, इसको, इसको क्या देंगे बोलो बोलो, थ्री, और इसको फोर ही होगा ना। ये कौन सा एटम है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, हाँ हाइड्रोजन की बात करेगा तो क्या बोलोगे, H2, और हाइड्रोजन एटम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, H। बेटा इतनी तो केमिस्ट्री तुम लोगों को आनी चाहिए। बोलो आप क्या करोगे, किसको किससे एक्सचेंज करना है, बोलो बोलो ना, H को इससे, इसको इससे, तो वो बोलो। अब देखो डायरेक्टली करते, वन यहाँ, फोर यहाँ, टू यहाँ, थ्री यहाँ, तो वन टू थ्री। अब आया, कभी कभी हम डायरेक्टली भी करना सीखेंगे बेटा, ऐसे नहीं कि हमेशा तुम लोग, इतना थोड़ी ना टाइम बचेगा जेई में, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम है जेई में, 25 क्वेश्चन ही तो आते हैं, हाँ वहाँ बहुत टाइम है बेटा, चिंता मत करो। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाने चाहिए वहाँ के, इतना इजी होता है पेपर। बोलो आप जल्दी से, वन, वन क्या होगा बोलो, अरे बोलो ना, ब्रोमीन। कान के नीचे से उड़ गया। अरे पागलो, CIP रूल लगाओ, BR, CL, बी कौन सा आइटम है, बी के बाद सी और सी, दो बार है ना बी में, बी में सी और सी कितनी बार है, दो बार है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका बी है ना, ये आपका बी है, इसको क्या लिख सकते हो, CHOHCH3, CHOHCH3 लिख सकते हो ना ऐसा। देखो यही वाला आइटम तो आपका बी आर है, यही वाला आइटम तो आपका बी है, बी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, CHOHCH3 लिख दिया। अगला कौन सा है, CH3। आप बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर, अब भी नहीं आएगा तो बताओ क्या होगा प्रायोरिटी ऑर्डर, ब्रोमीन क्लोरीन ये। ठीक है बोलो आप जल्दी से, बोलो फोर को टू, यहाँ टू आ जाएगा, खत्म, यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, वन टू थ्री, तो कैसे घूमेगा बेटा ये आपका आर, तो ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर। समझ में आया? अब इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, हाँ हाँ कैसे, हाँ हाँ
देखो देखो इनका तरीका काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। हम वही है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से ही है, ठीक है। लेकिन तुम है ना इसको ऐसा भी सोच सकते हो, किसी किसी को मैं दो तीन तरीके बता दूंगा। कभी तुमने तय देखा है कि अगर मैं ना ये साइकिल अगर प्लेन पे होगा तो CS3 कहाँ होगा, आगे होगा, और पीछे वाला कंपाउंड वेज पर होगा। ऐसे ही बनाता था ना मैं, वेज और डैश को मैं इसी में कन्वर्ट करता था ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? अरे बेटा ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ट्राइंगल मान लो, ठीक है। CS3 आगे, H कहाँ है? CS3 आगे, H कहाँ है? तो तुम अभी भी समझ सकते हो ना H को मैं कहाँ रख सकता हूँ बेटा, और इसको मैंने कहाँ रख दिया? अगर मैंने इसको ऐसा माना तो इसको भी ऐसा ही मानना है, ठीक है ना। ऊपर अगर वेज माना है तो ऊपर ही वेज मानोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर दोगे कि ऊपर नीचे कर दोगे। बोलो अब पहले से ही वेज पर है, सॉरी पहले से ही डैश पर है। अब बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी 1 की, फिर किसकी होगी बेटा बोलो? यहाँ से कार्बन कार्बन जुड़ा है ना, 2, उसके बाद किसकी होगी? ये 3 और ये क्या होगा बेटा? 4। अब घुमाओ घुमाओ, कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा तो ये क्या होगा बेटा आपका? आर। अब समझ में आ गया बेटा? अब ये वाला बताओ, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। अब बताओ कैसे घूमेगा? एस। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? मैं लॉजिकली बता सकता था ये R और S होगा, ठीक है। अब ये R और R ही होंगे, ये R और R ही होंगे, ठीक है। अब क्यों होंगे वो भी मैं बताऊंगा। R और S तुम देखते ही बता सकते थे, R और S तुम देखते ही बता सकते थे, ठीक है। चलो वो बाद में बताऊंगा, तुम्हें देखते बताओगे। आप जी बोलो जी जल्दी से, इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लोगे? इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लोगे बोलो? वेज पर। कौन बताना था? रियान खड़ा हो, बता। अब मैंने क्या तरीका बताया? इसको वेज पर और इसको डैश पर, ठीक है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका क्यों सही है बेटा आपको बाद में पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ेगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मैंने ऐसे ही बनाना है हमेशा, ठीक है ना, साइकिल में ऐसे ही बनाना है। अब बताओ जल्दी से क्या करोगे? अब देखो यहाँ पर ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा। बट आप लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे एक्सचेंज करोगे बोलो जल्दी से? वो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब घुमाओ, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा बोलो जल्दी से? 1 2 3, ये कौन सा कन्फिग्रेशन हो गया आपका? समझ में आ गया? यहाँ पर भी प्रायोरिटी डिसाइड करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर पहले से ही 4th प्रायोरिटी वाला कहाँ पर है? डैश पर है। तो क्या मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा? नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया बेटा? समझ में आया? बैठ जाओ। समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड? ये वाला बताओ। हाँ, दोनों आर आर होंगे। अगर ये आर होगा तो ये भी आर ही होगा। चल बैठ जा। देखो इधर तुम्हें बाद में आइडिया लगने लग जाएगा, अब बाद में लगने लग जाएगा, अभी इतना जल्दबाजी मत करो। अब देखो ये ऐसा बनाए, ये ऐसा बनाए, तुम्हें निकालने में थोड़ा सा लग रहा हुआ कि इसमें खिचपिच करने से अच्छा है कि इसको बड़े प्यार से अच्छे से सुंदर सुंदर टिकाऊ तरीके से मैं लिख दूँ। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है ना, ठीक है। एक बार CS3 कहाँ पर है? मैंने बताया ना ऊपर कि ऊपर वाला हमेशा क्या मान लो? एक बार CS3 ऊपर है तो ये वाला आपका क्या होगा? यहाँ पर जो H लगा होगा वो डैश पर होगा अपने आप। और एक बार CS3 कहाँ है? समझ में आ गया आप तुम्हें? ये वाला तरीका समझ में आ गया? इस तरीके को फॉलो कर लोगे? फॉलो कर लोगे इस तरीके को? अब बताओ यहाँ पर अब प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। अब देखो कौन सा 1 होगा? यहाँ पर CH2C के पास अगला कार्बन जा रहा है तो ये आपका क्या होगा? ये वाला आपका 1 होगा। क्यों? समझो, C के बाद दूसरा आइटम, दो C आ रहे हैं,
सी के बाद दो दूसरा एटम क्या आ रहा है, दो सी आ रहा है ना, और यहाँ पर सी पहला एटम सी और दूसरा एटम क्या आएगा, दो एच आएंगे, यहाँ पर सी एच टू होगा ना, नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, नहीं आया, पक्का आ गया, सोच लो, नहीं आया तो बता सकता हूँ मैं, ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया टू, टू के बाद ये थ्री, ये क्या हो गया बेटा आपका फोर, अब बताओ क्या होगा ऑर्डर, अब कौन सा होगा बेटा, ये आपका वन टू थ्री, वन टू थ्री मतलब ये वाला कौन सा हुआ बेटा आपका, जहाँ पर सी एच थ्री क्या है बेटा, अब वेज पर है, वो कौन सा कन्फिग्रेशन हुआ एस, तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन हुआ बेटा आपका एस, समझ में आया तरीका निकालना, निकालना समझ में आया, अब ये वाला बताओ जल्दी से, यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, इसको इसको मैं हटा देता हूँ, रेफरेंस ही माना है ना इसको, अब ये वाला हो जाएगा वन, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका टू, ये वाला हो जाएगा आपका थ्री, ये वाला हो जाएगा आपका फोर, अब देखो बेटा ये ऐसे है टू वन फोर थ्री, अब मुझे फोर को कहाँ लाना है बेटा, जल्दी से सोचो, नीचे लाना है ना डैश पर, ये देखो ऐसा है, चलो ठीक है ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मैंने ऐसा कर दिया, अब मुझे फोर को कहाँ लाना है, तीन की जगह, तो थ्री ऊपर गया, फोर नीचे आया, वन इधर गया, टू यहाँ गया, तो वन के बाद क्या आएगा बेटा बोलो, टू, टू के बाद थ्री, तो क्या हुआ बेटा ये आपका जल्दी बताओ, ये वाला भी आपका क्या हुआ एस, समझ में आया, तो दोनों का कन्फिग्रेशन क्या हुआ बेटा आपका एस, क्लियर हुआ बेटा, इस तरीके से करेगा परफेक्ट आएगा, ठीक है, समझ में आया, तूने आर क्यों किया मैं बताऊं, तूने प्रायोरिटी ऑर्डर अलग किए, तेरे प्रायोरिटी ऑर्डर में गलती है, चेक कर, समझ में आया, समझ में आ गया तुम लोगों को, अब कितना भी टिपिकल क्वेश्चन रहेगा तुम लोग कर डालोगे, इतना मुझे उम्मीद है, भरोसा है, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ भर भर भरोसा, ये या फिर तुम लोग भरोसे के भी काबिल नहीं हो, बोलो भरोसा कर सकता हो कि नहीं कर सकता, किसके ऊपर करूंगा, हैंड राइज करो, किसके ऊपर कर सकता हो भरोसा, लोनावला नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर भरोसा है, आया समझ में तुझको, तुझे कभी डाउट नहीं आता है क्या, तो खुद डाउट है, है? डाउट क्यों नहीं आता बेटा तुझे, तुम लोग डाउट ही नहीं पूछते, डाउट क्यों नहीं आता तुमको, ये तो सबसे खराब केमिस्ट्री मानी जाती है, और भी केमिस्ट्री मानी जाती है, नहीं मानी जाती तो उस पर डाउट क्यों नहीं आता तुम लोगों को, इस पर डाउट सबसे ज्यादा आने चाहिए, आरो में इसमें इजी नजर होगी तुमको, अब तक हमने ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में क्या क्या पढ़ा, बोलो बोलो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन द सिंगल कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, यहाँ पर हो गया तुम्हारा, तीन कंडीशन मैंने बता दिए थे, उससे मेरा क्या निकला, ये कंपाउंड जी आई शो करेगा, ठीक है, और पी ओ एस और ओ एस से क्या समझ में आया, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, अब ये दो पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गए, उसके अलावा क्या था बेटा, जीआई में कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते थे, ईजेड और सिस ट्रांस, और ऑप्टिकल में कैसे निकालते, आरएस, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, दोनों का सिमिलरली तरीका हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समझना है अब आपको, ले समझ में आया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्लियर हुआ,
लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे बच्चे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। समझ में आ गया ना? अब तुम्हें कभी भी निकाल सकते हो आरएस किसी का भी। ये छोटा सा काम है, दुनिया का सबसे छोटा काम है ये, तुमसे जेई नहीं पूछेगा, ई और जेड भी नहीं पूछता, सिस और ट्रांस भी नहीं पूछता, सीधा क्या पूछता है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, क्लियर हुआ फंडा? हटा दे इसको, साफ कर दे। अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि पूछूंगा तो तुम लोग मना करोगे। अगला लिखो, अगला लिखो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स सीधा लिखो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या होता है? फर्स्ट कंपाउंड, समझना इधर, फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड, ठीक है? अब समझना, सेम बोथ आर हैविंग सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन सेम सी स्टार। सी स्टार का मतलब कायरल सेंटर, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। अब असिमेट्रिक नहीं बोल सकते, दिक्कत होती है, कायरल बोलने में आसानी है, ठीक है? असिमेट्रिक सेंटर भी बोलो, ठीक है? अब देखो, बहुत क्योंकि आपके जेई मेंस में असिमेट्रिक सेंटर से ही आएगा, कायरल सेंटर से नहीं आएगा। कायरल सेंटर कभी कभी आता है, लेकिन मैक्सिमम क्या आता है? असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है? एडवांस में तो असिमेट्रिक सेंटर ही बोलेगा, कायरल सेंटर नहीं बोलेगा। अब देखो, कंपाउंड वन और कंपाउंड टू दोनों से मिलके क्या होगा बेटा? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, और क्या होगा? सेम सी स्टार पे, तो वो क्या होगा बेटा आपका? आइडेंटिकल। वो क्या होगा बेटा आप लोगों का? आइडेंटिकल। अब हम बात करते किसका बेटा? ये कितनी बजे क्लास है? 11:30 या 15? 15। कल भी 15 पे था ना, ध्यान रखना बेटा, किसी और की क्लास में ना खा जाऊँ। आइडेंटिकल के बाद क्या आएगा बेटा जी? जल्दी बोलो, मिरर इमेज। क्या आ जाएगा बेटा आपका? मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो? मिरर इमेज क्या होगा? अब देखो, कंपाउंड वन और कंपाउंड टू, ठीक है? कंपाउंड टू, अब देखो, दो कंपाउंड है,
अब देखो यहाँ पर देखो कंपाउंड टू, अब समझो बेटा यहाँ पर, सॉरी एक चीज बताना भूल गया, कंपाउंड वन और कंपाउंड टू आपस में क्या होंगे बेटा, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा बेटा, दोनों क्या हो जाएंगे फिर बेटा, आइडेंटिकल, क्या हो जाएंगे दोनों आपके, आइडेंटिकल, जब आपके आर एस कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे। अब कंपाउंड वन और कंपाउंड टू क्या बोलेंगे, बोथ आर हैविंग एग्जैक्ट डिफरेंट आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑन सेम सी स्टार। मतलब जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट क्या हो आपका होना चाहिए, डिफरेंट, तो वो आपस में क्या होंगे बेटा आपके, मिरर इमेज, आपस में क्या होंगे बेटा आपके, मिरर इमेज, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा बेटा, वो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, मिरर इमेज। बात क्लियर है? इसके बाद एक आएगा, क्या आएगा इसके अलावा, एक और आ सकता है, नॉट आइडेंटिकल, नॉट मिरर इमेज, ठीक है, ना ही आइडेंटिकल हो, कौन सा होगा, नाइदर आइडेंटिकल नॉर मिरर इमेज। ये तो अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे इसको, डायस्टीरियोमर्स। अब ये पॉइंट को समझना, अब देखो कंपाउंड वन और ये आपका कंपाउंड टू। अभी मैं इसको समझाने के लिए एक और पॉइंट बताऊंगा, कंपाउंड वन एंड कंपाउंड टू, समझना बात। अब देखो यहाँ पर दोनों कंपाउंड क्या है बेटा, बोथ आर हैविंग क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बोलो, सम डिफरेंट आर एस एंड सम सिमिलर आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑन सी स्टार। मतलब क्या बोलना चाह रहा है बोलो, अब क्या समझ में आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो उसका डिफर कर जाएगा, कुछ तो उसका अपोजिट होगा, लेकिन कुछ उसके सिमिलर ही होंगे, तब क्या हो जाएगा बेटा आपका, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा बेटा, कौन सा होगा, डायस्टीरियोमर्स, किसका रिलेशनशिप होगा, डायस्टीरियोमर्स। अभी तुम्हें मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट अभी तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया है, अभी तुम्हें उतना एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है, अभी एग्जैक्टली समझ में आएगा, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा रुको। अब डेफिनेशन तुमको एग्जैक्टली समझाता हूँ क्या है, एक्चुअली मैंने जो लिखवाया है वो टर्म्स का मतलब क्या है। अब देखो इधर, मैंने अगर यहाँ पर एक कार्बन है आर आर, ठीक है, मतलब सी स्टार, मतलब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सिमिलर सी स्टार का केस, किसका, सिमिलर सी स्टार, ठीक है, ये या फिर हाँ चलो ये यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, अगर आर आर हुआ, आर आर हुआ तो आर आर का क्या बनेगा बेटा, अगर बेटा एस एस बन गया तो वो क्या होगा बेटा, एस एस क्या होगा बेटा, वो बताओ, पढ़ो लाइन, बोथ सी स्टार हैविंग एग्जैक्ट डिफरेंट आर एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा बेटा, ये आप लोगों का मिरर इमेज। क्लियर हुआ बात। अगला क्या है बेटा बोलो जल्दी से, एक आपका आर एस है, एक आपका क्या है एस आर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, जल्दी बोलो, एग्जैक्ट मिरर इमेज। बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, क्या समझ में आया बेटा बोलो, ये R से S जा रहा है, S से R जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपस में बोलो, मिरर इमेज, क्या हो जाएगा बेटा आपस में, मिरर इमेज। समझ में आया बेटा, अगर मैं बोलूँ कि R टू R जा रहा है, एक आपका R टू R ही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्ट आइडेंटिकल। अब समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का बोलो जल्दी से, आइडेंटिकल। समझ में आ गया बेटा ये आपका। अभी हम एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन तो सोल्व करना बनता ही है ना। अब देखो इसके बाद अगर मैंने बोला यहाँ पर एस
एस, इसका मैंने बनाया एस एस, तो ये भी क्या होगा बेटा आपका आइडेंटिकल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कंपाउंड वन, ये कंपाउंड वन का, ये कंपाउंड टू का है, तो आपस में क्या रिलेशनशिप होगा बेटा इन दोनों का, आइडेंटिकल। नहीं आया समझ में, आप देखो आर एस आर, कंपाउंड टू में एस आर एस, तो ये क्या हो गया बेटा जल्दी बोलो, हाँ मिरर इमेज होगा। आप समझ में आ गया तुम लोगों को, अब समझ में आया ना ये क्या होगा बेटा आपस में, मिरर इमेज। अब क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर R R, यहाँ पर मैंने कर दिया S R, ये क्या हो जाएगा, एक मिरर इमेज की तरह है, एक मिरर इमेज की तरह नहीं है, मतलब नॉट आइडेंटिकल, नॉट मिरर इमेज। देन इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, डायस्टीरियोमर। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया लाइन, नहीं आया ठीक है। अब देखो इधर क्लियर हुआ, चलो लिखो आप क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो, क्वेश्चन लिखे लिखाता हूँ मैं एक दो, फिर तुम्हें समझ में आना है। रिलेशनशिप निकाल सकते हो आप, अब दो कंपाउंड के बीच रिलेशनशिप निकाल सकते हो, अभी पता पड़ जाएगा कौन कौन रिलेशनशिप निकाल सकता है, कौन कौन रिलेशनशिप नहीं निकाल सकता, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में, बहुत बेटा, बाहर निकाल दूंगा चलेगा। लिखो, समझ में आ गया कंसेप्ट, इतना सा तो था। अब तुम्हें आइडेंटिकल पहचानना है या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो भी पहचान लेना है इसी में। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, जिनमें केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट आईयूपीएसी नेम डिफर कर जाते हैं। इसमें केमिकल फॉर्मूला भी सेम है और आईयूपीएसी नेम भी क्या है बेटा सेम है, लेकिन क्या अंतर होता है बेटा इसमें, कॉन्फ़िगरेशन, क्या अंतर होगा, कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए इन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल, एक कौन से होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आपके किसके अंदर आते हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल में मैं कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन दे देखता हूँ बोलो, ज्योमेट्रिकल में कॉन्फ़िगरेशंस के नाम क्या है, अगर मुझे ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तो क्या क्या देखते बोलो, हाँ ई और जेड और सिस और ट्रांस, और हम ऑप्टिकल में आर एस और कल लिखा था डी एल, आर एस और डी एल, हाँ बस, हाँ बोलो रियान बोलना, हाँ अरे हाँ बेटा ये मिरर इमेज नहीं है, दिस इज अ कंपाउंड वन एंड दिस इज अ कंपाउंड टू, दिस इज अ कंपाउंड वन, नहीं नहीं मैं लिख देता हूँ, अब डाउट नहीं होगा,
ये वाला, ये दो कंपाउंड है ना, दो ए बेटा, एक बना है ना तो एक ही होगा। अब बनाऊंगा दो दूसरे। पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के साथ जो अभी मैं बनाऊंगा उनका रिलेशनशिप निकालना है। रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे बेटा, तू अपने आप से थोड़ी ना रिलेशनशिप निकालेगा ये है। पहले क्वेश्चन समझना क्या लिखा है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो लिखा आप लोगों ने, लिखा आप लोगों ने, ये डेफिनेशंस लिख ली। मुझे चार कंपाउंड बनाने हैं, जल्दी जल्दी बनाओ, तुम्हें करना है ना कुछ, सिलेबस खत्म करना है ना लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन होने वाला है, आप लोग क्या चाहते हो? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन होगा तो आप लोग क्या करोगे? नहीं, आप लोग क्या करोगे? ड्रॉप नहीं लोगे बेटा, तुम लोग छत पे से कोई तुमको ड्रॉप कर देगा अगर लॉकडाउन, मर जाओगे। देखो क्या होगा अगर बाय द वे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ तो उसके क्या क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ। लॉकडाउन के बेनिफिट भी होते हैं और लॉकडाउन के ड्रॉबैक भी होते हैं। हाँ, बेनिफिट वो ऐसा होगा कि तुम्हारे अभी 3-4 महीने की नींद वो अच्छे से गई हुई है, तुम लॉकडाउन में उसका बेनिफिट उठाओगे, तुम अच्छे से सोओगे, तुम्हारा टाइम टेबल शेड्यूल काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन होगा, तुम्हारी बॉडी मतलब हेल्दी होगी क्योंकि तुम उस हिसाब से मेंटेन करोगे अपना शेड्यूल। सुबह उठोगे 10 बजे, आराम से रिलैक्स होगे, फिर मुंह धोगे, फिर तुम्हें देखोगे कि हाँ लेक्चर आएगा, जब तक पूरे लेक्चर नहीं आ जाएंगे तब तक हम देखेंगे नहीं, ठीक है, पूरे लेक्चर आने दो, तब तक हम थोड़ा मतलब बाहर बाहर का एटमॉस्फेयर देख लेते कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है, फिर थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते, बैडमिंटन खेलने वाले बैडमिंटन खेलेंगे, और कोई है ना किसी के घर पे पीएस होगा तो वो प्ले स्टे हाँ पीएस खेलेगा, और किसी के घर पे मतलब किसी के बगल में पड़ोसी से बातचीत करेगा, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा टाइम पास होते होते 1 बज जाएगा। फिर 1 बजे के बाद तुम लोग बोलोगे कि बहुत भूख लग रही है, खाना खाओगे। अब खाना खाने के बाद तुम्हारी उम्र के बच्चे कभी पढ़ ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है। फिर तुम सो जाओगे, फिर तुम उठोगे शाम को 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद फिर देखोगे हाँ 5:30 सॉरी कम कर दिया ना बेटा, क्या पता पढ़ने का भी टाइम निकालना है ना 4 बजे। फिर तुम देखोगे सारे लेक्चर आ चुके, ठीक है, फिर किसी के घर पे एसी होगा तो एसी ऑन करके चारों लेक्चर देखना स्टार्ट करेगा, कितने लेक्चर आते हैं, 3 ही आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। देखोगे सबसे पहले मैथ्स का लेक्चर देखोगे, देखा ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग है, फिर केमिस्ट्री में हल्की हल्की झपकी आने लग जाएगी जो फिजिक्स तक सो जाओगे। उसके बाद नींद आ गई, चलो ठीक है 6 से मतलब 7 बजे सोए, 8 बजे उठे, फिर खाना खाया, फिर बोलोगे अब तो रात को नींद आएगी। रात को नींद नहीं आएगी, रात को तुम बोलोगे कि पता लगाते हैं कि कौन कौन से बच्चे पढ़े हैं आज, की किस किस ने तीनों लेक्चर रखा है, फिर व्हाट्सअप चालू करोगे, ठीक है, फिर तुम लोग आपस में डिस्कशन करोगे अरे किसको कौन सा लेक्चर समझ में आया बताओ, ठीक है, वो वहाँ तक हुआ। फिर तुम लोग है ना रात को कोशिश करोगे कि थोड़ा सा लेक्चर देखे, लेकिन ऊपर से नोटिफिकेशन बार खुलेगा, उस पर लिखा होगा इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बार, क्या होगा क्या हाँ, फिर तुम अरे यार पोस्ट आया देखना जरूरी है, कंपलसरी है, तो तुम उस पर क्लिक करोगे। लेक्चर देखना कंपलसरी नहीं है, वो पोस्ट देखना कंपलसरी है, फिर तुम उसको देखोगे तो फिर तुम्हारा मतलब टाइम टेबल ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कि, और डेली एक एक लेक्चर छूटते 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 एक टोटल तुम्हारे 52 आवर्स के लेक्चर छूट जाएंगे, और फिर तुम 52 वो आवर्स के लेक्चर कैसे देखोगे, 2x की स्पीड से, तो भी आप लोगों का पूरा नहीं होगा।
समझ में आया, तो इसीलिए बोल रहा हूँ लॉकडाउन के वो ये तो थे फायदे, हम सोशल नेटवर्किंग से अच्छी तरीके से जुड़ सकते थे, ठीक है, और लॉकडाउन नहीं होने के वो घाटे क्या है, घाटा होगा ना, नुकसान होगा लॉकडाउन नहीं हुआ तो, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से DPP मिलेगी, वो नहीं किया तो अगले दिन क्लास के बाहर, तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और चलो ठीक है देख लेते हैं अब, चलो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, नहीं भी लिखा होगा तो भी मान लो लिख लिया। अब देखो इधर कौन कौन चाहता है लॉकडाउन हो जाए, आहिल क्या लॉकडाउन होना चाहिए, अभिनव को तो सेल्फ स्टडी करना होता है इसलिए इसके लिए लॉकडाउन ही होना चाहिए, बेटा ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस मत कर, अगर सेल्फ स्टडी ज्यादा होगी ना तो बेटा सेल्फ स्टडी करने वाला हमेशा टॉप करता, क्यों वो है ना इंटरव्यू में बोलने वाले बोलते हैं बहुत, मैंने सेल्फ स्टडी की इतनी की इतनी की, लेकिन असलियत तो पता होती है ना जिनको, उन्हीं को पता होती है अपनी असलियत, इंटरव्यू में बोलना बहुत आसान है, मैंने ये बुक किया वो बुक किया वो बुक किया, इंटरव्यू में बोलना बहुत आसान है, असलियत क्या है वो तुम भी नहीं जानते हो। सभी टीचर्स को फॉलो करो, अपने आप आपका अच्छा रैंक आएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है, इनडायरेक्टली। पता नहीं लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को क्या बना दिया है, बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है, पता नहीं। बड़ा बातें ना करो, अब तुम्हें रिलेशनशिप बताना है, जल्दी से बता डालो रिलेशनशिप, बेटा बोलो जल्दी से बता डालो, BRHCS3, ठीक है, अब तुम्हें रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, रिलेशनशिप बताते जाओ, हाँ बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे रिलेशनशिप बताने के लिए, इसका ना निकाल के उसका निकाल ले पहले काम, पहले उसकी बात कर लेते हैं, देखो इसका निकाल लेते पहले, RS निकाले, RS निकालो, कैसे निकालोगे, तू खड़ा हो, तू ही निकाल, खड़ा हो, CIP रूल क्या होता है, हाँ फर्स्ट आइटम सेकेंड आइटम थर्ड आइटम ऐसे ही बताएगा तू, हाँ क्यों, प्रायोरिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, समझ में आया, अब चलो कोई बात नहीं, बोलो आप इसका, सबसे पहले बोल इसका क्या होगा, इसका इसका आधा पार्ट कर दे, कर देते हैं, तू बैठे बैठे बोल, पीछे वालों को दिख भी नहीं रहा और पीछे वालों का एक्सप्रेशन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, अब वो बातें कर लेते हैं फिर ना कवर लेके बात करते हैं, बोलो आगे, 1A का 2, इसके बाद 3, और इसके बाद पक्का ना, पक्का, चलो अब है ना घुमाएंगे, कैसे कैसे घुमाएंगे, कैसे कैसे घुमाएंगे बोल, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाएंगे, 1, 2, 3, और 4 को नीचे क्या तेरा पड़ोसी लेके आएगा, क्या करेंगे, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 1 हुआ,
टू हुआ और ये थ्री हुआ, तो क्या हुआ बेटा बोलो, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? एस, वेरी गुड। अब बता अगला, बोलो ये बी मान लिया, ये सी एस थ्री मान लिया, ये मैंने बी आर मान लिया, ये मैंने एच मान लिया, बोलो अब जल्दी से वन कौन सा होगा? ये वन होगा, टू कौन सा होगा? ये होगा, थ्री ये होगा, फोर ये होगा। आप क्या करेंगे इसमें डायरेक्टली करेंगे, इसमें चार कहाँ पर है? वर्टिकली डाउनवर्ड रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या होगा बेटा इसका, इसका क्या हुआ? आर हो गया ना इसका आर। अब ये बात ध्यान रखना बेटा, पड़ोसी से आज के बाद कोई काम मत कराना, खुद ही करना है, ठीक है। आगे बोलो, अब जल्दी बताओ। अब देखो वहाँ पर जो कंपाउंड है, अब देखो, अब सुनो, इससे क्या समझ में आ रहा है? सी स्टार विच इज अटैच विद, विच इज अटैच्ड, अटैच्ड विद, बोलो बेटा, विच इज अटैच विद, क्या आएगा? ओ एच एच एंड सी एच थ्री ग्रुप। वो कौन सा है बेटा, जल्दी बोलो, कौन सा कन्फिगर्ड है? एस कन्फिगर्ड है, एस कन्फिगर्ड है। मैंने क्या बोला? सी स्टार जो आपका किससे अटैच है? ओ एच सी एच थ्री और एच ग्रुप से अटैच है, वो कौन सा कन्फिगर्ड है? एस कन्फिगर्ड। और इसी तरीके से सी स्टार विच इज अटैच विद, बोलो जल्दी से, अटैच विद, बोलो बी आर सी एस थ्री एंड अटैच ग्रुप, दैट इज वो आपका कौन सा कन्फिगर्ड है? आर कन्फिगर्ड। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, जल्दी जल्दी बताओ, अब कौन बताएगा? तुम्हें बार बार करने में शर्म नहीं आ रही? एक तरीका, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी बोलो, ए सी एस थ्री, हाँ खुशी खड़ी हो, बता नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो जी, जल्दी जल्दी बता। ये होगा वन, ए क्या होगा? सेकेंड, सी एस थ्री क्या होगा? थर्ड, और ये क्या होगा? फोर। अब क्या करेंगे बेटा जी, जल्दी बोलो, फोर्थ को सेकंड से, बिल्कुल सही, यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ थर्ड आ जाएगा, यहाँ सेकंड आ जाएगा, तो कैसे घुमाएंगे? कैसे घुमा बेटा ये आपका? आर घुमा ना, आर पक्का। नहीं, नेक्स्ट वाला बोलो जी, जल्दी से दे बैठो, चिन्मय माली बोल, यहाँ पर बी आर, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर एच, बोलो। ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब बी आर, ब्रोमीन का एग्जिस्टेड वो है ना, ब्रोमीन आपके कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में, गैस में क्यों नहीं? चलो, तुम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था ना क्लास नाइन्थ में, उसमें पढ़ना एक है ब्रोमीन का एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहाँ पर बी आर वन, यहाँ पर बी क्या आ जाएगा बेटा आपका? सेकेंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एस थ्री थर्ड, और ये आपका फोर। अब क्या करेंगे बेटा बोलो? अच्छा, पड़ोसी वाला काम करेंगे, बोलो, थर्ड यहाँ पर जाएगा, फोर यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, आ गया समझ में? ये कौन सा कन्फिगर्ड होगा बेटा? आर, समझ में आ गया, बैठ जा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर सी स्टार जो ओ एच सी एस थ्री के साथ जुड़ा है, यहाँ पर कौन सा है? एस। और सी स्टार जो आपका बी आर सी एस थ्री एच के साथ जुड़ा है, वो यहाँ पर कौन सा कन्फिगर्ड था? जल्दी बताओ, कौन बोरो ने? नहीं, बी मैंने माना है, खुश, अब खुश हो गया बेटा। एक काम कर, रस्सी ला, पंखा भी है, टांग दे मुझे। इतने देर से तू बोरो नहीं मान के कर रहा था, मतलब
अब समझ में आ गया। चलो अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन करा दिया, मैं आगे बढ़ जाता तो बोरोन मान के कर करके आता एग्जाम में। अब चलो गलती हुई ना, समझ में आ गया। आप बोलो ये कौन सा कन्फिगर्ड है? अब देखो सुनो, ब्रोमीन वाला आपका कौन सा कन्फिगर्ड है? ब्रोमीन वाला आपका सी स्टार कौन सा कन्फिगर्ड है? आर। मुंह मत फाड़ वैष्णवी, आगे बोलो इधर। अभी बताओ यहाँ पर, ये बताओ सी स्टार जो ओ एच वाला है वो कौन सा कन्फिगर्ड आया यहाँ पर? सी स्टार ओ एच वाला आर आया। और बोलो सी स्टार बी आर वाला, वहां पर आर था और यहाँ पर सी स्टार बी आर वाला कौन सा कन्फिगर्ड आया? आर। तो दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप आया? डायस्टीरियोमर। समझ में आ गया? आप समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं इसका बताओ। हाँ हाँ, दो मिनट खड़ा हो, क्या होगा बोल, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आएंगे? चलो ठीक है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? नहीं इसका निकाल, और इसका आर और एस दोनों आएंगे बेटा। तो रुक 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 रुक, मैंने कभी आर और एस दोनों एक साथ बनाया? हाँ सी स्टार नहीं होगा, सी स्टार नहीं होगा, आर एस नहीं होगा, इसका मतलब, इसका मतलब क्या? अरे पागल, तूने इतने इतना लंबा सोच लिया, इतना सा नहीं सोच पाया। इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, समझो बैठो, इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सी एच थ्री, दो सी एच थ्री सी एच के साथ जुड़े, और यहाँ पर क्या है बेटा सी एच ओ एच, और यहाँ पर क्या है बेटा बी आर, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकता हूँ बोलो, सी एच सी एच बी आर सी एच ओ एच सी एच थ्री, नाम बोलो इसका क्या है आई यू पी एस सी ने? क्या ये एक दूसरे के आपको चेन आइसोमर नहीं लग रहे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, वन टू थ्री, बोलो नाम क्या होगा? वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेनॉल, और वहां कौन सा होगा? टू ब्रोमो नहीं, थ्री ब्रोमो ब्यूटेनॉल, क्या होगा? थ्री ब्रोमो ब्यूटेनॉल। नाम अलग अलग हुआ, आई यू पी एस सी नेम अलग हुआ, तो आई यू पी एस सी नेम अलग हुआ, तो ये कौन सा आइसोमर होगा बेटा आपका? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कल घर जाके पढ़ के आना क्या कौन कौन से हैं। और चेन आइसोमर, चेन आइसोमर होगा कि पोजिशनल होगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन में अंतर आया तो वो 100% कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर। अब समझ में आ गया बेटा तुम लोगों को? क्लियर हो गया फंडा? फंडा अब तुम्हें समझ में आ गया? कुछ भी हो सकता है मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा लॉजिकल था, तुम्हें लॉजिक पता होने चाहिए, पूरा आइसोमर इसलिए बोल रहा हूँ कमांड में होना चाहिए। अब धीरे धीरे आ जाएगा, तुमने जीआई की प्रैक्टिस कर लेना, कल टोटोमर और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला बोलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा बेटा बोलो जल्दी से? ये सी एच थ्री, यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर ए, यहाँ पर बी आर, और यहाँ पर एच, बोलो जल्दी से। ये वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, आप बोलो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, पहले बोलो जल्दी से। टू और फोर आपस में इंटरचेंज होंगे और वन और थ्री होंगे, हो बोलो कौन सा आएगा? वन के बाद, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, कौन सा आएगा बेटा ये बोलो जल्दी से? एस। अब इसका निकालो, सामने देखो इसका निकालो बेटा जल्दी से। बेटा बोरोन है नहीं है ना, ठीक है, अब तो ये ज़िंदगी भर ध्यान रहेगा अगर मैं तीन चार बार टोकूंगा तो। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, आप बताओ कौन सा कन्फिगर्ड होगा? क्या इसको घुमाना पड़ेगा? तो ये कौन सा कन्फिगर्ड होगा बेटा आपका? गलत कर दिया मैंने, वन से थ्री घुमा दिया, हाँ उल्टा कर दिया ना, तो अब मैं सीधा कर देता हूँ, ये एस, सॉरी, ठीक है, तो ये ऐसे घुमा तो ये हो गया आपका एस। तो ये क्या हो गया बताओ, बताओ यहाँ पर बी आर वाला सेंटर वहाँ कौन सा था? यहाँ पर बी आर वाला सेंटर क्या है? ऐसे, और यहाँ बी आर वाला सेंटर क्या है? आर। समझ में आया?
यहाँ OH वाला सेंटर क्या है S, वहाँ OH वाला सेंटर क्या है S, तो क्या हुआ बेटा ये आपस में डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर हुए कि नहीं हुए? देखो ना यहाँ BR वाला सेंटर लिख रहा हूँ, यहाँ OH वाला, BR वाला सेंटर वहाँ मेन मॉलिक्यूल में क्या था, BR वाला सेंटर मेन मॉलिक्यूल में क्या था, R था, और OH वाला सेंटर मेन मॉलिक्यूल में क्या था, S, लेकिन BR वाला सेंटर इस मॉलिक्यूल में क्या आया, S, और यहाँ पर S, तो ये क्या हो गया आपस में डाइस्टीरियोमर। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, समझ में आया बेटा। अब ये तीन आपका होमवर्क है, चेंज करना मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है, चेंज करना मैंने तुम लोगों को बताया, सी सी स्टार OH सेंटर वाला सी स्टार, अरे 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 हाँ करना इसको, ठीक है, करके लाओगे होमवर्क। समझ में आ गया, इजी था, टफ था आज का, इजी था बस।